आज हम बनाने जा रहे हैं घीये का भरता, गोल घीये का भरता। इसे तंदूर में भून रहे हैं। सबसे पहले घीया हमने तंदूर में भून लिया है, और ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, ये हम इस सब्जी में सामान डालेंगे। प्याज हमने काट लिए हैं, और ये टमाटर, दो टमाटर मैंने कद्दूकस किए हैं और एक टमाटर काटा है चाकू से। इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च काटी है, और ये सामान जाएगा, आप देख लो। हल्दी, और ये पाव भाजी मसाला है, और ये लाल मिर्च, नमक, और ये जीरा, और ये थोड़ा सूखा धनिया दरदरा पिसा हुआ है। भरथा बनाने के लिए मैंने गैस चला दिया है, और इसमें जाएगा सरसों का तेल, डालती हूँ मैं। आप जो तेल यूज़ करते हैं देख लें। और इसमें जाएगा, इसमें जब धुआं उठेगा तो मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा कम लग रहा है। जब धुआं उठेगा तो मैं इसमें डालूंगी प्याज। ये प्याज डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसको फुल फ्लेम पे बनाएंगे, फिर इसमें डाल लेंगे टमाटर। जैसे ये प्याज लाल हो रहे हैं तो इसी के अंदर ही ये मैं सूखा धनिया भी डाल दूंगी साथ में, ये भी भून जाएगा। और थोड़ा सा जीरा, ये थोड़ा सा जीरा इसे भी डाल दूंगी। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, इसको भी साथ साथ डाल दूंगी। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर बहुत आराम से, मीडियम फ्लेम या फुल फ्लेम करते रहे। थोड़ी देर मीडियम कर देती हूँ। मीडियम फ्लेम और फुल फ्लेम पे ये ऐसे हो गया है, तो अब इसमें टमाटर और ये जाएगा। इसको अच्छे से रला के मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट के लिए इसको रख देंगे ढक के। उसके बाद इसमें हल्दी, नमक, मिर्च डालेंगे। 4 मिनट बाद इसमें हल्दी, नमक और मिर्च स्वाद अनुसार डाल के 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये सिम सेक पे ढक के रख दिया है 10 मिनट बाद। बीच बीच में आप खोल के कड़छी मारते रहें। 9 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें घीया ऐड करेंगे। घीया भून गया था, फिर इसको छील के इसको हमने ग्राइंडर से मैश कर लिया। जो बैंगन वाला घीया होता है एक्चुअली वो आसानी से मैश हो जाता है, पर इसके लिए ग्राइंडर यूज़ करना पड़ता है। ये मिक्स हो गया है, इसमें थोड़ा हम अब पाव भाजी मसाला मिक्स करेंगे। इतना थोड़ा सा और डाल दो, थोड़ा सा। फिर इसको मिक्स करके इसका नमक मिर्च चेक कर लें। नमक कम लग रहा है, थोड़ा नमक डाल लें, और फिर इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए रख दें सिम सेक पे। ये हमारा घीये का भरता बन चुका है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फिर जब आप इसे खोल लेंगे तो इसमें आप धनिया मिक्स कर लें। थैंक यू।